प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी मजबूरी के बारे में। कहानी का नाम है मजबूरी। आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की मजबूरी। प्रस्तुत कहानी में मनु भंडारी जी ने एक बूढ़ी अम्मा के पुत्र एवं पौत्र प्रेम तथा उसके मन की उथल पुथल, उतार चढ़ाव एवं द्वंद्व का अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं कारुणिक चित्रण किया है। अपने पौत्र को अपने पास रखने तथा मजबूरी में उसे अपने से अलग करने का घटनाक्रम पाठक को विचलित कर देती है और यहीं पर है मनु भंडारी जी की कहानी की कुशलता। मनु भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक स्थान में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। लेखन के लिए इन्होंने मनु नाम का चुनाव किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्षा भी रही। इनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ इनकी कहानी संग्रह है, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज इनकी उपन्यास है तथा बिना दीवारों का घर नाटक इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से है। मनु जी की भाषा संस्कृत निष्ठ मुहावरेदार हिंदी है जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, पर फिर भी ये बोझिल नहीं लगता। यत्र तत्र मुहावरों और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग इन्होंने खूब किया है। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का व्यास सम्मान तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और दूसरे सम्मान तो अनगिनत है। ये थे कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार। मनु भंडारी जी की कहानी मजबूरी में किसी समस्या को अत्यंत कुशलता से उठाया जाता है। मजबूरी का अर्थ है विवशता या लाचारी। इनकी कहानियों में मान्यताओं, परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, अनर्गल विश्वासों एवं मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सहज से उभारा गया। प्रस्तुत कहानी मजबूरी में लेखिका मनु भंडारी जी ने एक ओर तो बुरी अम्मा का अपने पोते बेतू के प्रति मोह दिखाया है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में रहने वाले बेटे उनके बेटे रामेश्वर और उसकी पत्नी रमा का अपने बेटे के प्रति कर्तव्य दिखाया गया है। अपने पोते के प्रति प्रेम अगर बूढ़ी दादी की मजबूरी है तो शहर में नौकरी करना और बच्चों की शहरी शिक्षा रामेश्वर और उसके पत्नी की मजबूरी है। बेतू को अम्मा के पास छोड़ना भी उसके माता पिता की मजबूरी है। कहानी में अलग अलग स्तरों और चरण में चरित्रों की, विभिन्न चरित्रों की जो कि इस कहानी में है, उनकी मजबूरियों को पाठक के समक्ष उपस्थित की गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है, सफल प्रयास किया गया है कि आज के दौर में हर इंसान मजबूर है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा गा कर मिट्टी से अपना कपड़ा लीप रही थी, तभी बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कल तक तो अम्मा गठिया से जुड़ी बिस्तर पे पड़ी थी। गठिया के मारे दर्द से वो चिल्ला रही थी, दर्द के मारे उनके तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। नर्मदा को देखकर अम्मा का हाथ क्षण भर के लिए रुका,
फिर वो बोली, नर्मदा, कल मेरा बेटू आ रहा है। वह रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा, पर इस बार मैं कह दूंगी, मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी। अब गोद में सोएगा बेटू। बेटू उनका पौत्र है। बूढ़ी अम्मा को अपने पुत्र रामेश्वर के बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो कभी बिना लोरी सुने सोता ही नहीं था। मेरा पोता बेटू भी उसी पर गया। पहले जब बहू उसे लेकर आई थी तो वो केवल 2 महीने का था। अब तू खुद ही देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। तो ये शब्द थे बूढ़ी अम्मा के, जो कल तक तो अपने दर्द से बहुत चिल्ला रही थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, पर अब बेटे और पोता के आने की खुशी में उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और वो अपने बेटे के बचपन की बातें और अपने पोते की बात सोच सोच कर, बोल बोल कर इतनी खुश हो रही थी कि वो अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई। बूढ़ी अम्मा का काम समाप्त हुआ। उन्होंने उठने का प्रयास किया मगर उठ नहीं पाई। उसने नर्मदा को सहारे के लिए पुकारा। बूढ़ी अम्मा ने नर्मदा से कहा कि वो ग्वाले की कहती जाए कि कल जल्दी दूध ले आए, और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे तब तक वो भी चौका बर्तन करने यहाँ आया करे। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह दर्शाया है कि आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में पीढ़ियों का जो अंतराल है वो इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, और अगर समझ भी जाते हैं तो हालात से मजबूर होकर एक दूसरे के समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। विवशता की इस पारिवारिक गाथा को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। कहानीकार ने अम्मा तथा रमा के रूप में नारी जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में मजबूरी एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज तथा समाज के व्यवहार पर आघात करती है। समाज की इन समस्याओं को दिखाना लोक मंगल का कार्य है, जिसके द्वारा समाज को यह संदेश जाता है कि हमें अपने संवेदनाओं तथा सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए। बूढ़ी अम्मा रामेश्वर के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी। तभी एक तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने छपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के से वो अपने बच्चे को छीन रही हो। उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। रामेश्वर ने माँ के चरण छुए। रामेश्वर जब चाय पानी के बाद नहाने चला गया तो अम्मा बहू से बोली, खबर तो दी होती कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। बहू बोली कि इस बार बेटी को आप ही रखेंगी। बूढ़ी अम्मा को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। बूढ़ी अम्मा ने रामेश्वर को भी ये बातें बताई। बोली, आज बहू ने कह दिया है कि अब बेटू मेरे पास रहेगा। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई है। आज से बेटू मेरा हुआ। बेटू यानी उनका पोता। तभी बूढ़ी अम्मा के पति वैद्यराज आ गए तो उन्होंने उन्हें भी यही बात बताई। इसके बाद घर में जो कोई भी आया, अम्मा ने सबको ये खबर सुनाई। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में, उनके साथ तरह तरह के खेल खेलने में बीत जाता। कहाँ तो वो अपने शरीर को बोझ समझ रही थी और कहाँ अब वो सारा दिन बेटू के साथ बच्ची बनकर जी रही थी। 20 दिन बाद जब बहू ने अपने माँ के घर प्रस्थान किया तो बेटू ने ना तो कोई जिद की और ना ही वो रोया। क्यों रोता भला? यहाँ दादी के पास ना तो उस पर कोई बंधन था ना कोई अंकुश। बेटू का दिन यहाँ बहुत अच्छे बीत रहे थे। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू को दूसरा बेटा हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। उस दिन अम्मा के मन में ये भावना घर कर गई कि बेटू अब उसी का है। रामेश्वर के जाते समय अम्मा फूट फूट कर रोई थी, पर उसके बाद उन्होंने बेटू को अपने छाती से चिपका लिया था। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल उसकी पत्नी रमा आई।
शायद बेटू को देखने। बेटू को देखकर उसका माथा ठनका। बात बात में जिद करना, खाना दादी के ही हाथ से खाना, सारे दिन चरते रहना, ग्रामीण बालकों के साथ घूमते रहना, दादी के साथ ही सोना, शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलना, ना कोई पढ़ाई, ना कोई किसी भी तरह से किसी अच्छे परिवार के होने का कोई सबक, फेरी वाला जो भी आता, हर फेरी वाले से कुछ ना कुछ खरीदना। रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा ने समझाया कि बचपन के दिन है, कौन जिद नहीं करता, समय आने पर ये जिद अपने आप छूट जाएंगे। पर रमा बहुत दुखी मन से लौटी, पर वो बेटू को अपने साथ नहीं ले पाई, क्योंकि पप्पू अभी छोटा था। इसलिए वो बेटू को साथ ले जाना तो चाहती थी, पर ले जाने का साहस न जुटा पाई। मुंबई पहुंचकर उसने अम्मा को पत्र लिखने शुरू कर दिए। एक पत्र में उसने ये लिखा भी कि बेटू को किसी नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दिया जाए, पर अम्मा ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कैसे स्कूल जा सकता है। 2 साल बाद रमा और रामेश्वर 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर ली थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसे एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया था। उसके सामने बेटू बिल्कुल नालायक सा लग रहा था। दोनों का अंतर किसी के भी आंखों से छिपा नहीं रहा। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। न तो वो अपने बेटे को ऐसे देहात हालत में छोड़ सकता था, और ना ही अपने माँ को दुख देकर वो अपने बेटे को ले जाना चाहता था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो बेटू को ले जाना चाहते हैं। अम्मा ने जब रमा का प्रस्ताव सुना तो वो बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती है कि उसके पैरों तले की जमीन ही सरक गई। बोली, मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह पाएगा, एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा। रमा ने बेटू की पढ़ाई की बात की और कहा, इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। अम्मा ये बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद खुद को संयत करके बोली, ले जा बहू, ले जा। यानी हम देखते हैं कि एक तरफ रमा की मजबूरी थी, एक तरफ रामेश्वर की मजबूरी थी। वो अपने बेटे को देहात में नहीं रख सकते थे, उसे शहर पे आके शहरी लड़कों की तरह पढ़ा लिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ अम्मा की मजबूरी थी, वो जानती थी कि बेटू को अगर वो अपने पास रखेगी तो वो उसे शहरी अदब कायदे नहीं सिखा पाएगी। लेकिन अपने पोते को अपने सीने से दूर करना इसके लिए आसान नहीं था। जो भी आता, शाम को गुब्बारे वाला या मिठाई वाला जो भी आता, सबसे वो यही कहती, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसके अम्मा के साथ भेज दिया, अब यहाँ मत आया करो। इस तरह से हम देखते हैं कि दर्द को सीने में छुपाकर दादी अम्मा किसी से कुछ नहीं कहती, सबके साथ हंसकर मिलती है और कहती है, तुम्हारा ग्राहक ही नहीं रहा, अब मत आओ इधर। इस तरह से मजबूरी कहानी में एक पोते को अपने दादी से अलग होना पड़ा, वो उसकी मजबूरी थी। दादी को पोते को छोड़ना पड़ा, वो उसकी मजबूरी थी। और रामेश्वर को ये जानते हुए भी कि उसकी माँ को बहुत तकलीफ होगी, अपने बेटे को अपने साथ शहर ले जाना पड़ा, ये उसकी मजबूरी थी। तो हर तरह से इंसान किस तरह मजबूरी के बंधन में जकड़ा हुआ है, इस कहानी में हम वही देखते हैं। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी और मानविक रिश्तों को कितनी बखूबी से मनु जी ने अपनी कहानी में उतारा, इसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।